खम बुढ़िया खाट के बिना बाढ़ बा साबु साबु क्या बुढ़िया मुन मामू ले लेंगड़ा लेंगड़ा जो फैम यहाँ पे लेंगड़ा की सब्जी बनती है, अचार भी बनाया जाता है। हाँ तो लेकिन आप उसको आपने बुढ़ा बोला तो हम बुढ़े को खाते हैं। यो गट मावा तो चाल पड़े थे ए गुड्डी ये नहीं दियो अकबर बेली की टुकड़ी और ये धार मत दिखनी तेरे भली मुखड़ी और बेली की जवानी अपा धार मत दिखनी बस तेरी भारी जवानी। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं विनीता राणा सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज हम आ रखे हैं अपने दोस्त मतलब अपनी सासू जी को मिलने, जो हमारी फेवरेट है हमारी सासू जी। तो सासू तो सासू जी पर हैं, सासू जी पर हम उनको बहुत अच्छा मानते हैं। तो हम आ रखे हैं आज सासू जी को मिलने, क्योंकि हम उनको डेली पहले मिलते थे, घूमने आते थे। पहले वो जब ससुर जी थे तो वहाँ नीचे सड़क के पास ही उनका घर है, वहाँ पर रहते थे। अब ससुर जी नहीं है तो वो अपने बेटे बहू के साथ ऊपर रहते हैं गाँव में, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है यहाँ। तो यहाँ पर उनके गौशाला है। तो आज हम फिर सासू जी के घर आ रहे हैं। तो हम आ रखे हैं इतने ऊपर और यहाँ से कालीमठ कुछ इस तरह से दिखता है। ऐसा मेरे को बहुत पसंद है। तो अभी पहुँच गए हम अपनी सासू जी के घर पे और सासू जी के घर पे पी रहे हैं चाय। और चाय तो हम लोग भी आती है। अरे दिया मालो तब वाला तुम्ही है भाभी ने बोला जो मीन पे तो नहीं गाड़ लन तुम्ही बोलो मार जब ने। तो ये हैं सासू जी की बड़ी बहू और इनकी भाभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप देख लेना आपकी ननद को मैंने आज वीडियो में आपकी ननद ने हमको आज चाय पिलाई, इसलिए हम इनको वीडियो में ले रहे हैं। आप बोल रहे थे नहीं लेते हैं तो हमारे सासू जी ऐसे भी कलाकार हैं। यहाँ देखो है। और यहाँ पे हाँ इस कार बना रही हैं। अगर आप लोगों को भी बनाने हैं तो आप डिमांड दे सकते हैं। तो इस कार का डिमांड दे सकते हैं, इनके पास हर चीज में परफेक्ट है। यो गाना भी लगा थोड़ा पुराना गीत लगा। दो साल आचारी आचारी माचदा योना का बामने बामना पोते दिन को हरोना मातो को दिन जोड़ी अष्टमी को दिन नौ दिन नवरात्रि बेटी के काले माता का दड़े माता का मैं तीया माता बोलो माता तो सिरे ली बाणा ले माता का मैं त्योना डोली तो साजा ले माता का मैं त्योना। तो कुछ दिन बाद यहाँ पे चेत के महीने फूल डाले जाते हैं, फुलारी जो फूल दही का त्योहार होता है। तो उसमें ऐसे जो गीत लगते थे पहले तो वो गीत सासू जी लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पुराने यादों को ताजा कर देते हैं पुराने लोगों के साथ बैठने से। सासू जी के घर से ऐसा कुछ दिखता है मंदिर, इतनी दूर है। पहले सासू जी वहाँ रहते थे,
सड़क के पास था घर, अब इनको मिलने के लिए हमको इतना दूर चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता है। और सासू जी का घर यहाँ है, और ये सामने भी काली मठ है, ये जो ऊपर है, और ये ऊपर जाल चौमासी ऊपर जो भी गाँव है। और यहाँ से कलसला जाने का पैदल मार्ग है। अरे ऊपर है कौन जेठी गाँव, ये सामने उधर गुप्त काशी, ये है सासू जी का पुराना घर। ये सामने यहाँ पे ये सिला है कल सिला की, नहीं खा दो तो यहाँ पे ये सिला है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से रोड भी जा रही है कलसला के लिए, ये तो ऊपर ब्योंखी गांव में जाएगी। थोड़ा तो यहाँ पे कुछ पुराने जमाने में जो होते थे, जैसे पहेलियाँ बोलते हैं उसको बोलते थे, पहले तो भुईने बोलते थे, आज अब तो पहेलियाँ बोलते हैं। तो एक दो ये पहेलियाँ बोल रहे हैं, भुईने बोल रहे हैं, तो आप लोग भी सुने कैसे बोलते थे पहले जमाने में। तो सासू जी से कुछ सीख रहे हैं। हाँ वो होता है, पहले तो हम जब छोटे थे तो मम्मी हमको, हम जब खेतों में जाते थे तो हम गुडाई करते थे, तो हम उसी पे रहते थे, तो मम्मी डांटती थी, तो हम उसके नीचे से नारियल जैसा रहता था, तो हम बोलते थे कि ये कच्चा नारियल है, तो हम उसको खाते रहते थे, तो मम्मी डांटती रहती थी हमको कि तुम गुडाई नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो उधर। अब यह तुम वाला सासू जी जामे जामे पर अंगूर नहीं है दे दही हां यो बोण के मुझे तो आंख हो जाना वो गड़े आंख हो जाना बोण पे भरे आंख सही साल्ट अरे यो मुने बाटे पे केला 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 आयो दार मा जाना मालपुर मालपुर घर कुरराड़ी कुरराड़ आया करना तार उब आगा से आसमाने यार नदीना वखलू वखलू एक मुर्गी चलते चलते थक गई, लाओ चाकू काटो गर्दन, फिर भी वो चलने लगी, वो हिंदी वो हुई। अब हम यो लाल बाखर पांड पे जाना, काल बाखर पांड पे एकदम सवाला सवाला इनी मिंगी नी मैं बाख रहती नी सिंगनी हां दा किरमोड़ की कहानी और अच्छा छम छाणा मच्छा म्योणा हर चीज आला कह दियोना कह दियोना अते को आरते के छा गरवाणी ओ तो सब बोली छो इनो गरवाणी गरवाणी बाय बोल तो ता कह दियो ना ना और भी छा है सफेद थाली में काल अंडा मतलब देख वे आखी अच्छा और अंगुलिया बोलू खम बुढ़िया खाट के बिना बाढ़
लेंगड़ा जो फेम यहाँ पे जिसका अचार भी बनाया जाता है रघुवंश कोई रो न सका, फुलवाड़ी कोई तोड़ न सका। रघुवंश कोई रो न सका, मतलब समुद्र में कोई सो नहीं सका, रघुवंश कोई रो न सका, फुलवाड़ी कोई तोड़ न सका, आसमान के तारे कोई तोड़ नहीं सका। अच्छा, हम सासू जी की दूसरी बहू के घर में अब एक चाय यहाँ भी पियेंगे। है इनका लकड़ी वाला किचन, बहुत सुंदर। यहाँ पे यहाँ यो होर बढ़िया डिगी यो तो घाम पर। बुरांस ओ तमी गार दो। यहाँ से भी काली मठ कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही सुंदर। हम भी आया। ये बना रही है चाय, माता ये भेंजरा चटनी का काम बाय बाय बाय।